2019 के जेई मेन के ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स लाया हूँ बच्चा लोग, और इन न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग करेंगे। तो कुल इसमें करीब 20-22 क्वेश्चन है आसपास। सो बच्चा लोग हम उस सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई होप सो आपको बहुत मजा आएगा ना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं जेई मेन के लिए तो आपको अच्छा लगेगा। सो देखिए, अगर जो बच्चा जेई मेन के लिए इंटरेस्टेड है, बहुत मजा आएगा उसको। नीट वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि इस लेवल की प्रॉब्लम नीट में भी आते हैं। सो बच्चा लोग, 2019 का पेपर है और टाइम भी लिखा हुआ है कि 9 जनवरी मॉर्निंग वाला पेपर है ऐसे करके। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेट्स देखिए। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, बच्चा लोग वो पढ़ लिया जाए। सो क्वेश्चन ये है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, इज पुट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लाइट सोर्स। एक लाइट सोर्स से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, एंड इट मेक्स अ शार्प इमेज ऑन अ स्क्रीन, और वो स्क्रीन पर शार्प इमेज बनाता है। अच्छा, क्वेश्चन जब भी हम लोग पढ़ते हैं बच्चा लोग ना, कोशिश किया करिए कि एक ऐसी रफ डायग्राम जरूर बना लिया करिए, है ना। बहुत फायदा होगा उसका अगर बच्चा लोग हम लोग रफ डायग्राम बनाते जाएंगे तो। सो देखिए, मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाया। ये एक कॉन्वेक्स लेंस लिया बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और एक लाइट सोर्स, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि कैंडल है। लाइट सोर्स मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग बच्चों, कैंडल बोल सकते हैं, है ना। सो एक मान लीजिए कैंडल है, और वो यहाँ से करीब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन में लिखा है कॉन्वेक्स लेंस इज पुट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइट सोर्स। तो यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर कोई सोर्स है, ये सोर्स है, यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जो जो कहेगा वो हम लोग यहाँ पर कर लिखते जाएंगे ना। एंड इट मेक्स ए शार्प इमेज ऑन अ स्क्रीन। एक स्क्रीन है जहाँ पर ये शार्प इमेज बना रहा है, इसका एक इमेज बन रहा है इसके ऊपर, स्क्रीन पे। ऑब्वियस ही बात है, स्क्रीन पे बनेगा तो वो रियल होगा, तो एक इमेज बन रहा है बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर। कीप 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ना। सो ये भी 10 सेंटीमीटर पे है, ये भी कहाँ पर है बच्चों, 10 सेंटीमीटर पे है ना। ठीक है बच्चा लोग, बस ऐसे ही समझते जाइए, अगली लाइन से आंसर आ जाएगा फ्रॉम द लेंस। नाउ अ ग्लास ब्लॉक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस इज प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद अ लाइट सोर्स। मतलब यहाँ पर एक एक ग्लास रख दिया जाता है जिसका थिकनेस भी पता है बच्चों हमें, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना है, 1.5 है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना है, 1.5 है। आई थिंक जो बच्चा लोग सबको समझ में आ रहा होगा ये। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ बच्चों, है ना। सो देखिए, और फिर लिखा है बच्चा लोग इसमें कि टू गेट द शार्प इमेज अगेन स्क्रीन इज शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस डी देन डी इज। अच्छा, फिर दोबारा उस वहीं पर इमेज पाने के लिए स्क्रीन को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहले ऑब्जर्वेशन से बच्चों, जब ये ग्लास स्लैब नहीं था उस समय, उस ऑब्जर्वेशन से पहले हम इसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे। 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर पर इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये जो 10 सेंटीमीटर है, सर सब बच्चा जानता है कि 2f पर ऑब्जेक्ट होता है तो 2f पर इमेज बनता है। तो दिस 2f इज इक्वल टू यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर। सो फाइनली f का वैल्यू आ जाएगा बच्चा लोग यहाँ से कितना, 5 सेंटीमीटर। डायरेक्टली एफ इक्वल टू हमने 5 सेंटीमीटर निकाले बच्चों। आगे बढ़ता हूँ मैं अगर यहाँ पर, अब बताए दूसरे वाले केस में ये स्लैब रख देने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस शिफ्ट होगा, हम ये इसकी बात करेंगे। पहले तो हमने पता कर लिया कि लेंस का क्या होगा ना। ऑब्जेक्ट देखिए यहीं पर है, लेकिन ये रखने से इसमें कुछ शिफ्टिंग होती है, शायद आप सबको पता हो। नॉर्मल शिफ्ट का फार्मूला होता है बच्चा लोग, दैट इज टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। इतना शिफ्ट हो जाएगा, और ध्यान रहे ग्लास रखने से वो क्लोज तो और पास हो जाता है, और पास की तरफ शिफ्ट होता है। तो कितना शिफ्ट होगा पास की तरफ, पहले ये देख लें। टी की वैल्यू है बच्चा यहाँ पर 1.5, 1 माइनस 1.5। 1.5 को हम लिख सकते 3/2, दैट मीन्स 2/3। सो फाइनली अगर हम इसे सॉल्व करें, 1/3 1.5, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर ना। 0.5 सेंटीमीटर इसकी तरफ शिफ्ट हुआ है बच्चा।
एक बात बताइए कि अगर अब नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखें तो नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए u इक्वल टू माइनस ऑफ 9.5 सेंटीमीटर होना चाहिए कि नहीं, बोलिए। अब ये नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों। नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम लोगों को पता चल गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस बस हमें निकालना है। इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चा लोग, इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए, इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है बच्चों लेंस में, वन अपॉन, हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। यहां से आप वी सॉल्व करो बच्चों, यहां से वी, यू की वैल्यू ये गिवन है, एफ पता ही है यहाँ पर 10, और यहां से आपको क्या करना है, सॉल्व U सॉल्व करना है। अगर आपने U सॉल्व किया बच्चों, आपको सॉरी यहाँ से V सॉल्व करना है, सॉरी V सॉल्व करना है। अगर आप V सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे यहाँ से V सॉल्व करके मैं बताऊँ आंसर आ रहा है V। अगर देखिए आप पुट करें U की जगह, आप U की जगह पुट करेंगे माइनस 9.5, F की जगह आप पुट कर देंगे कितना बच्चों, F की जगह 10। सो यहाँ से वी गेट हेयर, वी सॉल्व करके देख लीजिएगा, वी आ रहा है 10.55 सेंटीमीटर। मतलब अब जो इमेज होगा बच्चों, अब जो इमेज होगा वो 10.55 पे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से v निकाला 10.55, तो पहले 10 पर था, अब 10.55। इसका मतलब है कि स्क्रीन कितना शिफ्ट होगा, स्क्रीन शिफ्ट इज इक्वल टू लिख देंगे हम लोग, स्क्रीन जो शिफ्ट होगा बच्चा, स्क्रीन शिफ्ट वो होना चाहिए 10.55 माइनस 10, दैट इज 0.55 सेंटीमीटर बच्चों, और वो दूर की तरफ, लेंस से दूर की तरफ। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर वन था बच्चा लोग, और आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा और कैसे आंसर निकालेंगे बच्चों। सो इस क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए, देखिए इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग तैयार हो जाते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या आता है आंसर बच्चों। देखिए लिखा है टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड ईच अदर ना, रे फर्स्ट मिरर पैरेलल टू एच। देखिए क्वेश्चन मैं वैसे एक बार आराम से पढ़ लेता हूँ ताकि बच्चा, सब बच्चों को मेरा क्वेश्चन तो कम से कम एटलीस्ट समझ में आ जाए। दो प्लेन मिरर है, इंक्लाइंड ईच अदर, एक दूसरे से इंक्लाइंड है, सर इस तरह से इंक्लाइंड है कि जो लाइट रे है पहले मिरर पर गिरता है और वो दूसरे मिरर के पैरेलल होता है, और जब दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आता है तो वो पहले मिरर के पैरेलल हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स विल बी, यार वैसे मैं हर क्लास में ये क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों, है ना, जब भी मैंने ऑप्टिक्स पढ़ाया है ये क्वेश्चन हर बार कराया है ना। देखिए बच्चा लोग, हमने मान लिया कि दो मिरर के बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा, थीटा, थीटा बन रहा है बाबू। और अगर कोई भी रे किसी भी एंगल पे धार है, बस मिरर के धार है, ये लेट मान लो M2 है, ये मान लो M1 है, M2 पर गिरेगा M1 के पैरेलल, देखिए M1 के पैरेलल एक राइट रे, M1 के पैरेलल आया जो इस पर गिरा, अगर पैरेलल आएगा तो ये थीटा है बच्चा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, यहाँ से टकरा के इस वाले मिरर पे जाता है, फिर यहाँ से टकरा के M1 के पैरेलल जाता है, M1 के पैरेलल जाएगा तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा बच्चों। यहाँ से देखिए ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है बच्चा लोग, पूछा है कि व्हाट इज दिस थीटा, इस पिक्चर से ही आंसर आ जाएगा बच्चों। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बच्चा लोग, 90 थीटा, तो ये वाला भी 90 थीटा होगा, ये वाला भी 90 थीटा होगा, ये थीटा है, ये 90 थीटा, ये भी 90 थीटा, सो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा थीटा बेटा। सिमिलरली यहाँ पर भी देख लीजिए, अच्छा ये थीटा क्यों है, क्योंकि ये M M1 और ये वाली लाइन पैरेलल है, अब पैरेलल लाइन होगी तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा ही होना चाहिए, ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 थीटा बच्चा, और ये भी होगा 90 थीटा बच्चा लोग, सो ये वाला एंगल आ जाएगा अगेन क्या, थीटा। ये जो ट्राइंगल बन रहा है अंदर की तरफ बच्चों, देखिए वो क्या है, थीटा थीटा थीटा, तीनों एंगल सेम है, दैट मीन्स थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री, एंड 3 थीटा हो जाएगा बच्चा लोग, 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री सॉरी है ना 180 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू आएगा 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, आई थिंक सो सबको मेरा बात क्लियर हो गया होगा बच्चा। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए बच्चों क्या लिखा है, क्वेश्चन को भी मैं एक बार पढ़ूंगा आपके सामने, यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर एक बार पढ़ रहा हूँ बच्चों, देखिए वो क्वेश्चन है यहाँ पर कि
लिखा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है बच्चा लोग कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो एक तरफ से प्लेन होता है, एक तरफ से कर्व होता है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कह रहा है कि वो म्यू वन है। इन द फोकल लेंथ एफ वन, इसका फोकल लेंथ है बच्चों एफ वन। Escaped in contact with another plano convex lens of refractive index mu2 and focal length f2, if the radius of curvature of their spherical faces is r, each and find and sorry f1 equals to 2f2, अगर ऐसा दिया है then mu1 mu2 are related as। देखिए बच्चों हम लोग इनको कॉन्टैक्ट में एक दूसरा भी हम लोग यहाँ पर ला के रख देते हैं, दोनों का रेडियस सेम है, ये इसके कॉन्टैक्ट में ला कर देते हैं ना, ये सीधा सीधा लिखा। देखिए स्केप्ड इन कॉन्टैक्ट विद अनदर प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्केव लेंस, सॉरी प्लेनो कॉन्केव लेंस है बच्चों, प्लेनो कॉन्केव लिखा है मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आप देख लीजिए पहला है कॉन्वेक्स है, दूसरा की बात कर रहा तो वो कॉन्केव है। लिखा है स्केप्ड इन कॉन्टैक्ट विद अनदर प्लेनो कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। प्लेनो कॉन्केव है दैट मीन्स हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि ये जो होगा इस तरह से कॉन्टैक्ट में आ सकता है, ये लाइक दिस, दोनों तरफ रेडियस सेम है ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। मैं एक बार फिर से पढ़ के दिखा देता हूँ कि दोनों में ऐसा लिखा हुआ है म्यू टू और एफ टू फोकल लेंथ हो गया। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ क्या रखा है ईच स्फेरिकल फेसेस इज आर एंड आर ईच एंड एफ वन इक्वल्स टू दिस देन फाइंड का रिलेशन बिटवीन म्यू वन एंड म्यू टू, तो म्यू म्यू टू में क्या रिलेशन होगा। ऐसे भी रख सकते थे, एक और तरीका हो सकता है बच्चों, आप ऐसे भी सोच सकता है कोई बच्चा, क्योंकि मैं भी आप क्वेश्चन को मान लो पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, तो बच्चों मैं अगर ऐसे सोच सकता हूँ तो आप भी ऐसे सोच सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग है ना। लेकिन हाँ दोनों का फोकल लेंथ सेम नहीं है, तो दोनों का फोकल लेंथ सेम नहीं है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंस मेकर फार्मूला लिख लेते हैं दोनों के लिए बच्चा लोग। सबसे पहले हम पहले वाले के लिए लेंस मेकर फार्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहला वाला मतलब हम लोग कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिखें तो वन अपॉन एफ वन इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन अब ब्रैकेट में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, हम पहले वाले के लिए बात कर रहे थे। सो वन अपॉन आर वन और माइनस वन अपॉन आर टू, या ऐसे लिख लीजिए पहले ही ये और ये हो जाएगा आपका जीरो। सो फाइनली अगर हम लोग एफ वन लिखें बच्चों, एफ वन की वैल्यू अगर हम लोग लिखें सो आंसर आ जाएगा आर वन मतलब आर अपॉन आर वन आ रही है यहाँ पर आर अपॉन, हम इसी फॉर्मूले को देखिए ये फॉर्मूला लिखा। कोई बच्चा बोले सर ये पहला सरफेस है ये दूसरा सरफेस है, तो कोई बात नहीं, ये वाला जब हम लिखेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, माइनस माइनस आर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमने मतलब ऐसे लिखा क्योंकि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है बच्चा तो फोकल लेंस इसका पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर लिया, क्योंकि ज़्यादा कम टाइम ज़्यादा नहीं होता है ये सब, तो हम लोग फटाफट डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर लेते हैं, माइंड में होना चाहिए, गेम चलना चाहिए कि हमें पता है ये सब। सो अगर हम लोग आगे बढ़ा दें बच्चा लोग इसको तो ये आंसर आ जाएगा आर अपॉन म्यू माइनस वन ऐसा कुछ। सिमिलरली अगर हम लोग बच्चा लोग एफ टू लिखे एफ टू, सो एफ टू को हम लोग लिख पाएंगे बच्चों एफ टू सिमिलरली एकदम इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें सो माइनस में आएगा आर अपॉन, तो ये हो जाएगा आपका म्यू टू माइनस वन ऐसा कुछ आएगा बच्चों ना। और इन दोनों में आपस में भी रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर कि एफ वन इक्वल्स टू एफ टू है ना, एफ वन इक्वल्स टू एफ टू है, तो एफ वन और एफ टू को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेट कर लीजिए बच्चों तो क्या मिलेगा यहाँ से, एफ वन मतलब आर अपॉन क्या लिखा बच्चा लोग यहाँ पर आर अपॉन म्यू वन माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हमने आर अपॉन म्यू टू माइनस वन, बस ये माइनस में आ रहा है ये कट जाएगा यहाँ पे। हालांकि वैसे हमें लग रहा है कि मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस इक्वेट तो कर ही नहीं सकते, तो ये मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम इस मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम इसको क्या ले लेते हैं प्लस ले लेते हैं, क्योंकि जब ये वैल्यूज की बात कर रहा तो ऐसे तो हो ही नहीं सकते कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि एक प्लस और दूसरा माइनस ऐसा होगा नहीं। तो अगर हम इन्हें मैग्नीट्यूड मान के इक्वल कर लेते हैं बच्चों सो देखिए आंसर क्या आएगा, ओ माय गॉड गड़बड़ हो गया क्या बच्चा लोग यहाँ पे देखिए, क्योंकि अगर हम इन्हें इक्वेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ट्वाइस यहाँ पर टू भी है बच्चों, इसका ध्यान रहे ये टू एफ टू है तो यहाँ पर टू भी है, अब नहीं होगा गड़बड़। देखिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो आएगा यहाँ पर
म्यू टू माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू वन माइनस वन, बच्चा ट्वाइस ऑफ म्यू वन माइनस वन। सो फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चों, इसको इधर ले, इसको इधर ले आए तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से क्या मिलेगा बच्चा लोग, इस माइनस वन को इधर ले जाइए, बाकी को इधर ले जाइए, इन सबको इधर लाइए, नंबर को इधर ले जाइए। सो नंबर को इधर जाएंगे और इन सबको इधर लाएंगे तो हमें यहाँ से ये मिलेगा, दिस इज टू है, दिस इज टू, टू से मल्टीप्लाई है ना बच्चा लोग, इसलिए टू इधर आएगा, तो आएगा टू माइनस वन इक्वल टू टू म्यू वन माइनस म्यू टू, टू म्यू वन माइनस म्यू टू, टू म्यू वन माइनस म्यू टू। सो फाइनली यहाँ से वन इज इक्वल टू टू म्यू वन माइनस म्यू टू, ये आंसर आ रहा है बच्चा लोग। अब इसे ऑप्शन में तलाश लेते हैं, सो ऑप्शन दिस वन, आई थिंक सो दिस वन ना, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस हमें दो लेंसेज थे, उनके फार्मूले लिखने थे, फार्मूले लिख के फोकल लेंथ को इक्वेट करना था, माइनस साइन का ख्याल रखना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जब हमने इक्वेट किया इसका मतलब ये वैल्यूज की बात कर रहा है, क्योंकि वैसे तो इक्वेट हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये एफ टू नेगेटिव होता और एफ वन पॉजिटिव होता, ये थोड़ा एक लॉजिकल बात था और हमें इसे अगर माइंड में रखा तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, लिखा है कि द आई कैन बी क्या है रिगार्डेड एज अ सिंगल रिफ्रैक्टिव सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ हिज सरफेस इज इक्वल टू दैट ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर, कॉर्निया का जो रेडियस है बच्चा लोग की कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया इज 7.8 mm, ये आया बच्चा लोग कॉर्निया का। दिस सरफेस सेपरेट्स टू मीडिया, दिस सरफेस सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडिसेस 1 and 1.34, ये जो सरफेस है मान लो, ये मान लो कॉर्निया है, इसके दोनों तरफ इधर 1 होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बच्चा लोग, और इधर होगा 1.34 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, कॉर्निया के दोनों तरफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है अलग अलग हैं। सो अगर कैलकुलेट कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रेक्टिंग सरफेस एट विच कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रेक्टिंग सरफेस एट विच पैरेलल बीम ऑफ लाइट विल कम टू फोकस, कहाँ पे फोकस में आएगा ये बताना बच्चों। तो सीधी बात है कि ये यहाँ ना देखिए, ये हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ये 1.34 है, कोई भी लाइट ऐसे पैरेलल आ रहा है वो कहाँ गिरेगा जाके, तो रिफ्रैक्शन फार्मूला लगा लीजिए बच्चों, सेकेंड मीडियम 1.34 सेकेंड मीडियम अपॉन वी माइनस फर्स्ट मीडियम अपॉन यू इक्वल टू सेकेंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम अपॉन आर, आर इज द 7.8 हियर, सो ये हो जाएगा आपका प्लस में आएगा 7.8 mm। सो बच्चों U क्या है यहाँ पर पैरेलल आ रहा है तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट प्रूव कर लेंगे, तो हमें V पता करना बच्चों, सो 1.34 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0, इज इक्वल टू आएगा 0.34 डिवाइडेड बाय 7.8, लेकिन ध्यान रहे बच्चा लोग mm में लिया हुआ है, सो अगर हम 7.8 है तो यहाँ पर अगर देखें बच्चा लोग इट 7.8 है, सो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो V की वैल्यू आनी चाहिए 7.8 मल्टीप्लाई बाई 1.34 डिवाइडेड बाई 0.34, आंसर दे रहा है mm में आएगा बच्चों, ये कितना आएगा mm में। सो हम अगर चाहें तो इसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा किससे, कितने से डिवाइड कर देंगे, अगर हम इसे मान लो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये कह सकते हैं 7.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.34 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चा 3.4, अब ये बन जाएगा सेंटीमीटर में, है ना, अब ये सेंटीमीटर में बन जाएगा और ये जो आएगा यही आंसर होगा बच्चा, इतना ही दूर पे वो क्या होगा फोकस होगा। तो आप इसे अगर सॉल्व कर लीजिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये आंसर आना चाहिए यहाँ पर 2, देखिए 2 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा आएगा ये तो, और ये 1.3 है तो मतलब 3 point something के आना चाहते हैं, मतलब 3 है ऑप्शन में यही है, तो हमने क्या डायरेक्शन कैलकुलेशन को ऐसे कर डायरेक्ट कर लिया और लगा कि हाँ 3.1 आंसर आना चाहिए, मैंने 3.1 क्लिक कर लिया। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा बच्चा लोग आप सबको, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, इसमें इसमें बेसिकली क्या है, पहले क्वेश्चन क्या है हम इसके बारे में बात कर लें। लिखा है कि फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट वन इफ डीएम इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और वेवलेंथ के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें बच्चा लोग,
एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और वेवलेंथ के बीच में क्या ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करें। सो देखिए ग्राफ क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ उसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चा लोग हमें यहाँ पे। देखिए आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। सो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सो मिनिमम डेविएशन जो होता है उसका फार्मूला अगर हम लोग लिखें डेविएशन, तो आंसर आएगा म्यू माइनस वन इंटू एंगल ना। और वेवलेंथ के साथ अगर हमें इसे रिलेशंस लिखना है तो बच्चा लोग वेवलेंथ के साथ ये रिलेटेड होता है, सबको पता है कि दिस म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। सो 1 बाई लैम्डा के प्रोपोर्शनल, तो ये क्या होगा करीब इस तरह का ग्राफ होगा कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो इसका मतलब जो डीएम होगा वो लैम्डा के साथ अगर रिलेट करें तो कुछ इस तरह का करवाना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही होगा बच्चों, है ना, क्योंकि म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा होता है, या 1 बाई लैम्डा के टर्म्स में अगर डालेंगे तो। मैंने कहा एकदम एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं किया बट अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही ग्राफ आना चाहिए, और ऐसा ग्राफ इसमें आई थिंक 2 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है, लेकिन अगर वैल्यूज पुट करके अगर आप मैच कराएंगे तो आई थिंक ऑप्शन जो होना चाहिए, सॉरी ये ग्राफ दिया ही है क्वेश्चन में, ये ग्राफ उसने दिया ही है, और बस इसी से हमें रिलेट करके आंसर करना था बच्चों, इसी को देख के आंसर, ये ग्राफ क्वेश्चन में शायद आई थिंक गिवन है, इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना था, तो मैंने ऐसे लिख लिया, ऐसे आप बेसिक आइडिया लग रहा है कि हाँ दैट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, इसमें 6 में लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.3 मीटर। देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से करीब 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर है दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका फोकल लेंथ दिया है 0.3। और बच्चों ध्यान रहे, वैसे जो इमेज बनता है हमेशा जब बहुत दूर होता है ऑब्जेक्ट, तो एफ और 2F के बीच में बनेगा, यहाँ का इमेज बनेगा, ये हमारा इमेज है बच्चों। कहाँ बनेगा ये निकालना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, वो फार्मूला है 1/F = 1/V - 1/U, ताकि हम वी निकाल सके बच्चों। तो वी निकालने के लिए देखिए हमने एफ की वैल्यू है क्वेश्चन ने दिया है 0.3 और वी, और ये जाएगा 1 माइनस, यहाँ जाएगा -20 बच्चों, यहाँ जाएगा -20। सो ये -20 हो गया बच्चा लोग, यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 1/V इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 10/3 माइनस 1/20। फाइनली इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से आंसर आएगा बच्चा लोग दिस इज 60 एंड अगर आप लोग देखें तो ये करीब हो जाएगा बच्चा लोग 10 है तो 200 माइनस 3। फाइनली 1/V इज इक्वल टू 197 डिवाइडेड बाई 60, ये आया आंसर। सो 1/V = 197 डिवाइडेड बाई दिस, सो दिस V इक्वल टू हो जाएगा बच्चा लोग 60 डिवाइडेड बाई 197। दिस इज 60 डिवाइडेड बाई 197, आई थिंक सो आप सबको मेरा बात समझ में आ गया होगा बच्चा लोग। सो एक और पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें वो ये है कि अगर कैलकुलेट, कहाँ क्वेश्चन में बोला है बच्चा लोग कि कैलकुलेट करना स्पीड, सो स्पीड अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों, स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस एट इट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द इमेज विल बी, तो डायरेक्शन और स्पीड की बात। अच्छा अगर हम इस ऑब्जेक्ट को बच्चों दूर ले जाएंगे, कैसा बोल रहा है, इस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाइए, जब इसको दूर ले जाएंगे कितना से स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से जब इसे दूर ले जाएंगे बच्चों, सो जो इमेज होगा ध्यान रहे वो फोकस की तरफ बढ़ेगा, उसी के डायरेक्शन में बढ़ेगा, लेंस की तरफ ही बढ़ेगा। और यहाँ पर जो स्पीड का फार्मूला होता है शायद आपको पता हो, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू होता है V/U² इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस, ये फार्मूला है बच्चा लोग, यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू हो जाएगा V/U, दैट मीन्स V की जगह हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 60 डिवाइडेड बाई 197, और U की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर कितना 20 का हम लोग लिखेंगे स्क्वायर, और इनटू स्पीड है यहाँ पर 5। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चा लोग, तो सॉल्व करके देख लीजिए जो स्पीड आएगा वो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो स्पीड आएगा आई थिंक सो, सॉल्व करके एक बार देख लीजिए, लगभग शायद ये आंसर आ रहा है 1
0.216 इंटू, एक बार आप सॉल्व करके जरूर चेक कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, और टूवर्ड्स अ लेंस इतना स्पीड आएगा, और वो तो इमेज से ही पता चल रहा है इट इज टूवर्ड्स अ लेंस। क्लियर है सबको? सो देखिए नेक्स्ट पेज पर अगर हम आ जाते हैं बच्चा लोग, सो नेक्स्ट पेज पर क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट एट अ सर्टेन एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड सफर्स मिनिमम डेविएशन इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज दिस वन देन एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। देखिए बच्चा लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट गिराया जाता है सर्टेन एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म में। देखिए बच्चा लोग सबसे पहले तो जैसे ये बोला इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म में, मैंने फटाफट एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म बना लिया। ऐसा करने से क्वेश्चन इजी बनता है, इसका मतलब जो एंगल ए होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री। जो एंगल ए होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। मिनिमम डेविएशन तब आता है बच्चों, मिनिमम डेविएशन तब आता है जब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू यहाँ पर 60 है, और R2 बराबर हो जाएंगे, मतलब R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 30, तब मिनिमम डेविएशन आएगा। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, अच्छा म्यू की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, जैसा जैसा दिया है बच्चा लोग मैं वो सब लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम निकालना चाहते हैं बच्चों, ध्यान रहे कि मैंने यहां पर जब लाइट गिराया, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई, सो यहां जो आर होगा वो 30 डिग्री होना चाहिए। सो हम लोग स्नेल्स लॉ लगा देते हैं बच्चों, 1 into क्या लिखा बेटा साइन आई इक्वल टू √3 into साइन आर, आर कितना है बच्चों 30 डिग्री। यहाँ से मिला हमने साइन आई इक्वल्स टू, हमें क्या मिला यहाँ से साइन आई इक्वल्स टू √3/2, सो दिस आई इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यहाँ से कितना, जब भी साइन आई इक्वल्स √3/2 तो आई इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 60 डिग्री। सो 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, दिस 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन वैसे IDJEE का पुराना क्वेश्चन है बच्चों, ये ना रिपीटेड क्वेश्चन है ना, बहुत इजी होता है वैसे इसे सॉल्व करना, बस आपको पिक्चर बनाना है और आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखिए क्वेश्चन ने कहा कि डी लेंथ का एक मिरर है बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पर समझाने का, ये एक मिरर है डी लेंथ है बच्चा लोग, यहाँ पर डी लेंथ का, यहाँ से एल डिस्टेंस पर एक सोर्स है, एल डिस्टेंस है और ये सोर्स है, यहाँ से 2L डिस्टेंस पर, मेरे को एक क्वेश्चन याद है बच्चा लोग इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैंने अब पढ़ा नहीं ज़्यादा मैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। ये पाथ है, क्योंकि JEE का प्रॉब्लम है ये JEE का पुराना प्रॉब्लम है, ये पाथ है, इस पाथ पर लिखा है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस एट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, प्लेन मिरर डी है लिखा है, अगर अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलॉन्ग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर एट अ डिस्टेंस 2L एज शोन इन द फिगर, डिस्टेंस ओवर विच द मैन कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स, कितना डिस्टेंस तक इस आदमी को जो इस पाथ पर चल रहा है इस सोर्स का इमेज दिखाई देगा, तो इस सोर्स का इमेज देखने के लिए बेटा लाइट रे यहाँ आके टकराएगा, टकराने के बाद यहाँ से फिर क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा, अगर लाइट यहाँ पहुँचा तो यहाँ से दिखना शुरू होगा, फिर लाइट सोर्स यहाँ आएगा टकराएगा बच्चों, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगा, जहाँ तक लाइट पहुँच पाएगा वहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मिरर में इसका इमेज दिखाई देगा। और अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं बच्चा लोग तो ध्यान से सुनिएगा, वैसे बड़ा इजी है मेरे लिए सॉल्व करना, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि कैसे होगा सॉल्व, सब ध्यान से सुनिएगा। ये वाला डिस्टेंस क्या है बच्चों, या आधा डिस्टेंस हो जाएगा D/2, ये एंगल है थीटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बच्चों। अच्छा यहाँ तक अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ तक बच्चा लोग यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस D/2 और ये L डिस्टेंस है, L डिस्टेंस चलने में D/2, तो ये वाला D/2 हो जाएगा बेटा, L डिस्टेंस चलने में D/2, तो 2L डिस्टेंस चलने में कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा D। अगर ये आपको नहीं समझ में आया होगा, मैंने डायरेक्टली वैसे सोचा L डिस्टेंस चलने में D/2 ये ऊपर गया, 2L डिस्टेंस चलने में ये D ऊपर चला जाएगा, अगर आपको ये नहीं समझा रहा है तो इसमें फार्मूला लगा लीजिए। सो tan थीटा का फार्मूला अगर लगा दें हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू ऊपर वाले में यहाँ से लेके यहाँ तक 2L है और ये मान लो Y है,
सो लिखा हमने y अपॉन 2l बच्चों, और नीचे वाले में tan थीटा लगा दें बच्चा लोग, सो नीचे वाले में tan थीटा लगा दें, सो tan थीटा इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस। tan थीटा अगर नीचे वाले में लगा देंगे तो क्या लिखेंगे बच्चा लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक तो d बाई टू है, सो लिखेंगे d बाई टू अपॉन l। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा, d, जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऑलरेडी ऑब्वियस ही बात है d ही दिख रहा है बच्चों, और नीचे भी क्या हो जाएगा फिर d, सो एक d, दो d, तीन d, आंसर आएगा 3d। सो 3d आ गया बच्चों। और आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर आ जाए बच्चा लोग, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसे भी फटाफट कर लेते हैं हम लोग। लिखा है कि व्हाट इज अ पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई लेंस कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। ये दो लेंसेज दे रखा है, एक का फोकल लेंथ F1 है, दूसरे का फोकल लेंथ F2 है, एक कॉन्वेक्स है, एक कॉन्केव लेंस है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है बच्चा लोग। 70 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी एट लेफ्ट एंड वर्चुअल। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो फाइनल इमेज होगा, नेचर ऑफ इमेज और पोजिशन, फाइनल ऑब्जेक्ट यहाँ से ढूंढिए। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो बच्चा लोग, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम पहले लेंस का इमेज निकालेंगे, इसने जो इमेज बनाया वो, फिर इसके बाद इससे जो इमेज, इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, पहले इसकी वजह से इमेज बना लेंगे, फिर इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। सो देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम अगर इसे आगे प्रोसीड करें तो वो क्या होगा, इस देखिए प्रोसीड करेंगे तो सो यहाँ पर आंसर आएगा बच्चा लोग कि पहले इस लेंस की बात करते हैं, 1/f1 = 1/v - 1/u लेंस है बेटा। सो 1/f1 क्या है बच्चा लोग, यहाँ से +5 = 1/v, v पता करना है बच्चों, माइनस ऑफ 1/u, u कितना है -20 सेंटीमीटर। सो बच्चा लोग 1/v = आ जाएगा 1/5 - 1/20। सो फाइनली 1/v = ये 20 एलसीएम ले लेंगे, यह आ जाएगा 4 - कितना हो जाएगा बच्चा 1। तो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू लिख सकते हैं 20/3। सो 20/3 डिस्टेंस पे, 20/3 डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों, वो लिखा कितना है, वो लिखा है 2 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में, और बन कहाँ रहा है इमेज 20/3, मतलब यहाँ कहीं बन रहा होगा, इसकी वजह से यहाँ कहीं इमेज बन रहा होगा यहाँ पे। सो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर निकालें, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों वो आएगा 20/3 - 2, 20/3 - 2, एंड फाइनली ऑप्शन ये हो जाएगा 6, ये जाएगा 14/3, ये इसके लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे जो भी इमेज बनेगा, जहाँ भी बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, सो 1/f2 = 1/v - 1/u। सो 1/f2 मतलब बच्चा लोग यहाँ पर आएगा -5, v पता करना है, और u की वैल्यू बच्चा लोग दिया है 1/, ध्यान रहे ऑब्जेक्ट अगर इधर है, रे इधर से आ रहा है, ऑब्जेक्ट इधर ही है बच्चा लोग, रे इधर से आ रहा है और ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, इसको पॉजिटिव यूज करेंगे और ये हो जाएगा आपका 14/3, तो 3 ऊपर ले गया, इसको इस साइड ले जाइए। सो 1/v = बच्चो 1/-5 + 3/14। तो इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, 70 एलसीएम हो जाएगा बेटा ना, तो ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ से -14, और ऊपर यहाँ कितना हो जाएगा +15। सो फाइनली आंसर आएगा बेटा 1/70, और 1/70 दैट मीन्स v = आ जाएगा 70, और 70 अगर प्लस में आया है बेटा तो रे के डायरेक्शन मतलब इधर ही होगा। सो 70 सेंटीमीटर पॉइंट बी, बी से 70, हाँ राइट में, और कैसा बनेगा ध्यान रहे, कैसा बनेगा इमेज अगर हम लोग बात करते ध्यान रहे, अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, u का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो नीचे ही बनेगा, जैसे जैसा इमेज है वैसे ही बनेगा, और वैसे ही बनेगा दैट मीन्स कैसा बनेगा, रियल बनेगा। तो आंसर आएगा बच्चा लोग 70 सेंटीमीटर इससे राइट में बनेगा और रियल बनेगा, और वैसे भी इसके अलावा कोई ऑप्शन था भी नहीं। सो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया बच्चा लोग। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं, 10 को कर लेते हैं बच्चा लोग, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है, इसे 10 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग
बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो देखें हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज। लिखा फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज यूजिंग बाइकन्वेक्स लेंस इज शोन इन द फिगर, जैसा इसमें दिखाया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा बना है। और यहाँ ये थोड़ा बड़ा होगा इससे, क्योंकि ये एफ टू एफ के बीच में है, तो ये बाहर है। इफ द होल सेटअप इज इमर्ज इन अ वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑब्जेक्ट इन द स्क्रीन पोजिशन, व्हाट विल बी वन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन? इमेज डिसअपीयर हो जाएगा, इमेज क्या होगा, मैग्निफाइड इमेज हो जाएगा, इरेक्ट इमेज और रियल इमेज बनेगा, और कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग इसे पहुंचा देते हैं कहां पर बच्चों, पानी में, सो कह रहा कि फिर क्या होगा? ये रहा स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर इमेज बन रहा है बेटा। पानी में जाने से फोकल लेंथ बदल जाता है, कैसे होता है बोलिए? म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर माइनस वन, और ये हो जाएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इस फॉर्मूले से अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू जैसी कम हो जाएगी, यहाँ पर ये वन से बहुत कम होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। जब फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा, फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा बच्चा लोग, तो जो इमेज होगा वो अब स्क्रीन पर नहीं आएगा, और स्क्रीन पर अगर नहीं आएगा तो इमेज हमें दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा इमेज बनेगा नहीं, इमेज हमें दिखाई नहीं देगा, तो इमेज क्या होगा बोलिए? डिसअपीयर हो जाएगा। ये एकदम सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चा लोग। ये सारे क्वेश्चन जेई मेन 2019 में आए हुए थे। तो ओके बाबा, टेक केयर, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चा लोग, थैंक।